31 दिसंबर 1958 को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहे जाने वाली HEC की नींव रखी गई, जिस कंपनी ने 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के इक्विपमेंट से लेकर चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड बनाने का काम किया। लेकिन अब इसी कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। कंपनी के हालात ऐसे हैं कि बिजली के बिल भरने तक के पैसे नहीं है। तो कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री का ऐसा हाल हो गया? कैसा रहा HEC का पिछले 65 सालों का सफर? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी नींव झारखंड के रांची में रखी गई थी। फिर 1963 में रूस और चेक, जो पहले की चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, उसके इकोनॉमिक और टेक्निकल हेल्प से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय इसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता था। ये भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। इसके 3 प्लांट्स थे, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हैवी मशीन टूल प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। HEC ने भारत के लिए जमीन पर चलने वाले बैटलशिप से लेकर स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के इक्विपमेंट्स बनाए हैं। बेसिकली HEC स्टील, माइनिंग, रेलवेज, पावर, डिफेंस, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए कैपिटल इक्विपमेंट्स बनाता है। HEC ने 1971 के युद्ध में इंडियन माउंटेन टैंक, 105 mm गैन बैरल, T-72 टैंक की कास्टिंग, 120 mm गन की हीट ट्रीटमेंट और मशीनिंग, INS राणा के लिए गियर सिस्टम, बैटलशिप आर्मर प्लेट को बनाना, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए इम्पॉर्टेंट डिवाइस बनाना, इसके साथ ही साथ चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाने का काम भी इसी कंपनी ने किया है। 1963 में जहां कंपनी 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ शुरू हुई थी, वो अब 3,000 से कम कर्मचारियों पर सिमट कर रह गई है। वहां के हालात ऐसे हैं कि वहां के कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की सबसे पुरानी पब्लिक सेक्टर यूनिट का ऐसा हाल कैसे हो गया? तो फ्रंटलाइन मैगजीन के एक आर्टिकल की माने तो पिछले कई महीनों से वहां के 2700 कर्मचारियों और 450 एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी नहीं मिली है। अप्रैल 2023 में वहां के ऑफिसर ग्रेड के वर्कर्स को फरवरी 2022 की सैलरी मिली थी। HEC के कर्मचारियों ने कई बार इसे लेकर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। वहां के कर्मचारियों की ये भी मांग है कि उन्हें रेलवेज या भेल के साथ मर्ज किया जाए या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर कर दिया जाए, लेकिन इस मांग का भी कुछ खास हुआ नहीं। दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक वहां के एम्प्लॉयज ने फिर से प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहां के एम्प्लॉयज बिना सैलरी के अब काम कर रहे हैं। पिछले 15 महीने से ज्यादा समय हो गया है जब से वहां के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है। अब सवाल ये आता है कि HEC क्यों अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही है? तो इस पर कई अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ने लग गई थी, तब इस इंडस्ट्री का डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो स्टैंडिंग कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट संसद में रखी थी, जिसमें बताया गया था कि HEC 2012-13 तक प्रॉफिट में थी, लेकिन फिर वो अपने प्लांट के मॉडर्नाइजेशन और मशीनरी पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसका असर ये हुआ कि कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी तक दे पाने में असक्षम रही। फिर मार्च 2023 में 321वां पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने ये क्लासिफाइड किया कि HEC मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर आने वाली 5वीं लॉस मेकिंग PSU में से एक है। तो ऐसा रहा HEC के पिछले 65 सालों का सफर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।